चार दिन पूर्व गायब हुए किशोर की निर्ममता पूर्वक हत्या कर शव को डिब्बे में पड़ा होने पर स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। गुस्साए ग्रामीणों ने यूपीटी तिराहे में गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। जाम की सूचना पाते एसपी धवल जायसवाल कई थाने के पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए, जहां किसी तरह आक्रोशित लोगों को समझाया। जाम खुलवाकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंचे तो वहां भी लोग जाम लगाए थे। एसपी जब उनको समझाने लगे तो ग्रामीणों ने उनके साथ अभद्रता करनी शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने भीड़ पर लाठी चार्ज कर जाम खुलवाया। एसपी ने बताया कि किशोर की हत्या के मामले में तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। सीतापुर चौकी अंतर्गत राघवपुरी मोहल्ला निवासी राम प्रयाग वर्मा का 9 वर्षीय पुत्र कंधाइया बीते 8 मार्च को घर से बाहर खेलते समय रहस्यमय तरीके से अपहरण हो गया था। पिता ने कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। जब शनिवार को देर शाम बोलू वर्मा के घर में उसका टीन के डब्बे में शव किशोर कई टुकड़ों में कटा शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस जैसे सीतापुर चौकी पुलिस को जानकारी हुई तो शव में मर्चरी भेज दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने यूपीटी चौराहे पे जाम लगा दिया। ग्रामीणों का आरोप था कि पुलिस की लापरवाही के चलते घटना हुई है। ग्रामीणों का कहना था कि यह चौथी घटना है। वही घटना की जानकारी पाते अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र राय, सिटी सीओ शीतला प्रसाद पांडे भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए, जहां गुस्साए ग्रामीण मान मवोल कर रहे हैं। जाम की सूचना पाते एसपी धवल जायसवाल कई थाने के पुलिस बल मौके पर मौजूद हुए। अगर आप यहाँ पे ऐसे बैठ रहे हैं, आप चले हमारे साथ घर परिवार के लोग पोस्टमार्टम हाउस में शव को देखें, पोस्टमार्टम अपने सामने करवाएं, पोस्टमार्टम करा के आपके घर पे शव आपको सुपुर्दगी में दे दिया जाएगा। ठीक है, जो आपका आर्थिक सहायता वाला है वो हम अभी लिखित में दे रहे हैं, हम प्रस्ताव बना के उसको। ठीक है, नमस्कार, मैं हूँ देवकीनंदन मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।